नीमच में बवाल हो गया है। बवाल हुआ यहाँ के रावलीकुड़ी गांव में, जहाँ से गुजर रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हो गया। खूब हंगामा हुआ। गनीमत रही कि इस हंगामे में कोई घायल नहीं हुआ। जिस वक्त ये पत्थरबाजी हुई, यात्रा में बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी मौजूद थे। बीजेपी ने इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे और पत्थरबाजी की। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा हमारी जो प्रारंभ हुई है, एक हमारी यात्रा क्रमांक 2 नीमच से प्रारंभ हुई थी। कल राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा को शुभारंभ किया था। यात्रा की अपार सफलता और जनमानस का जिस प्रकार का समर्थन यात्रा को मिल रहा है, उसको देख करके अभी मुझे जानकारी मिली है कि मनासा विधानसभा के अंदर जो रावड़ी कूड़ी एक स्थान है, वहां पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ताकत के साथ जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, ये कांग्रेस इस बात से घबरा गए हैं। इन्हें लगने लगा है किस प्रकार का समर्थन जनता का जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। आज माननीय अमित शाह जी ने मंडला के अंदर ट्राइबल क्षेत्र में किस प्रकार से जनता जनार्दन उमड़ी, तो ये जो सफलता है कांग्रेसियों को, इसको देख करके वो घबराए हैं और इन्होंने यात्रा पर हमला किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। इनको किसी की मतलब बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि और ताकत के साथ हम यात्रा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये यात्रा किसी प्रकार से कैसे रोका जाए, ये कांग्रेसी षड्यंत्र करना चाहते हैं। इसलिए इन षड्यंत्रों से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी यात्रा की और रचना ताकत के साथ मना करके आगे बढ़ेंगे। हम किसी प्रकार का ऐसी चीजों को हम ध्यान में रख करके अनुशासन के साथ चीजें तो करेंगे ही, लेकिन कांग्रेसियों की इस प्रकार की गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे, इस काम कड़ा जवाब देंगे। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यही इनकी गुंडागर्दी का चरित्र, इनका तो मूल चरित्र रहा है। इनके इतिहास में जाओ तो अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोग ही रहे हैं। और ये चीजें दिखाई देनी लग गई कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो चारों प्रारंभ हो गई, कल एक और प्रारंभ होने वाली है, इससे बौखला गए। ये कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतरे, इसका कड़ा जवाब कांग्रेसियों को दिया जाएगा। इसमें गाड़ी डैमेज हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ों के पीछे रोड के किनारे छिप करके हमला करना, अरे तुम्हारी हिम्मत है तो सामने आओ ना। इस प्रकार से कांग्रेसियों को मैं चैलेंज करता हूं, इस प्रकार की चीजें होती हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि पत्थरबाजी में यहाँ के ग्रामीण भी शामिल हैं, जो यहाँ बन रहे चीता प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कूनो के बाद चीतों का एक और नया ठिकाना मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य में प्रस्तावित है। इसके लिए चीतों के बाड़े बनाए जाने के लिए सीमा से सटे इलाकों में भूमि अधिग्रहण कर बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। बाड़े के लिए की जा रही वायर फेंसिंग में इलाके के कई किसानों के पशुओं के चारागाह आ रहे हैं। इसी बात का विरोध करते हुए पिछले दिनों किसानों ने प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि नीमच में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। नीमच से आकाश चौहान की रिपोर्ट, MP तक।